नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स बाजार में। आज तो हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ ने सबको हैप्पी हैप्पी कर दिया। 166 का आईपीओ का इशू प्राइस था, लेकिन आज जब लिस्ट हुआ तो 350 पर जाकर ओपन हुआ, तकरीबन 190 पॉइंट्स ऊपर। वहीं आज जो इसने दिन का हाई लगाया वो था 394.95 रुपये का, और जो इसका ओपन प्राइस था वही इसका आज का लो था 350 का। और आप देख सकते हैं कि जो ये बंद हुआ है आज, वो अपने ओपन प्राइस से 21 रुपये ऊपर जाकर 371.35 रुपये के लेवल पर जाकर बंद हुआ है। तो जिसने भी हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ को लिया होगा, इसमें इन्वेस्ट लगाया किया होगा, तो उसकी तो आज बल्ले बल्ले थी, 110% का रिटर्न पहले ही दिन। तो जो नहीं ले पाए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे और भी आईपीओज आने वाले हैं तो उन पर बनाए रखिएगा नज़र। तो अब चलते हैं अपने डेली प्रोग्राम की तरफ। आज तो निफ्टी ने लोगों के तोते ही उड़ा दिए। ये आप देख सकते हैं कि आज के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो है 11,516 की। और कल मैंने आप सभी को अपने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बताया भी था कि अगर निफ्टी 11,580 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें निफ्टी में 11,510 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ठीक वैसे ही हुआ। ये आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो कल का क्लोज था वो था 11,604 का, और आज हैवी गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ओपन होता है 11,539 के पास। और आज निफ्टी ने जो आज का लो लगाया वो था 11,498 का। तो वहीं निफ्टी ने आज दिन का जो हाई लगाया वो था 11,587 का। निफ्टी ने आज कोशिश की थी एक बार कि 11,580 के लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन टिक नहीं पाया ऊपर जाकर, और अपने डे लो के आसपास आकर 11,516 के लेवल पर जाकर क्लोज हुआ। अब देखते हैं कि निफ्टी के वो कौन कौन से सेक्टर्स थे जिनमें आज हमें तेज़ी देखने को मिली या गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी सेक्टर में आज तेज़ी देखने को नहीं मिली है। या आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी, सभी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है। और फाइनेंशियल सेक्टर में आज हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी IT की बात करें या निफ्टी मीडिया की और निफ्टी फार्मा की, तो हमें मामूली सी तेज़ी देखने को मिली है, मामूली सी बढ़त देखने को मिलती है आज के दिन हमें। और अब बात करते हैं अगर निफ्टी के स्टॉक्स की, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, तो हमें कल की तरह आज भी डॉक्टर रेड्डी में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। या आप देख सकते हो कि 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी थी डॉक्टर रेड्डी में आज के दिन। वहीं जी इंटरटेनमेंट में आज तेज़ी रही, SCL टेक, इन्फोसिस, ग्रासिम, मारुति, हीरो मोटोकॉप, BPCL, कोल इंडिया, ONGC, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, ये वो स्टॉक्स थे जिनमें आज हमें तेज़ी देखने को मिली। बाकी जितने भी स्टॉक्स थे आप देख सकते हो कि टाइटन, एशियन पेंट्स, सिप्ला, महिंद्रा महिंद्रा, विप्रो, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, नेस्ले, इन सब में हमें गिरावट देखने को मिली है। कोटेक बैंक, TCS, ICICI बैंक, लार्सन एंड टोबो, हिंडेल्को में आज सबसे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि आज के दिन FIS और DIS ने क्या किया। तो आज तो बिल्कुल हैरान कर दिया दोनों ही इन्वेस्टर्स ने। ये आप देख सकते हो कि FIS ने आज के दिन 4,580 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी, वहीं 4,830 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, नेट में 249 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। वहीं अगर बात करें DIS की, तो आज के दिन DIS ने 3,883 करोड़ के खरीदारी करी, वहीं 4,951 करोड़ की बिकवाली करी, नेट में 1,067 के आसपास की बिकवाली करी है। अब अगर इन दोनों को टोटल कर दिया जाए तो तकरीबन 1,300 करोड़ के आसपास की आज के दिन निफ्टी में बिकवाली हुई। यही वो कारण था कि आज हमें इतनी ज़्यादा गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से कल निफ्टी में ट्रेड करना है। तो कल की तैयारी आज हम करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल व्यूज़ इस समय किस तरीके के चल रहे हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो कि इस समय जो डाओ फ्यूचर है वो तकरीबन 263.63 पॉइंट नीचे है, और US Tech 100,
282 पॉइंट नीचे है। तो हमें एक भारी गिरावट इस समय अमेरिका के बाज़ारों में दिख रही है। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिलती है, और देख सकते हो कि आप हर जगह हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। एशिया मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि जापान 137 पॉइंट नीचे है, हांगकांग 386 पॉइंट नीचे है, चाइना 108, चाइना 150, या आप देख सकते हो कि 147 पॉइंट नीचे है। तो आज हमें ग्लोबल व्यूज़ जो मिल रहे हैं कि हमें कल के दिन एक फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और कल के दिन निफ्टी को ट्रेड जो करना है उसके लिए हमारा जो डाउन साइड पे जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 480 का। 480 का अगर लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो हम 390 के लेवल डाउन साइड पे निफ्टी में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और ऊपर की साइड पे जो आज का इसका हाई था 580 का, 11580 का, वही इसका आज का फर्स्ट टारगेट होगा कि अगर ये उसको ब्रेक कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम निफ्टी में आने वाले दिनों में 11660, 11700 तक के लेवल देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन लेवल्स को ध्यान में रख के कल के दिन हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की, जो कि है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जिसमें हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि इस समय वो कौन सा स्टॉक है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर इस समय अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज जो स्टॉक मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ वो है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। या आप देख सकते हो कि इस समय जो इसका करंट प्राइस है वो है 2128 का, और आज अगर दिन की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो कि 2135 के लेवल पे जाके ये ओपन हुआ था। दिन का जो हाई था वो था 2145, दिन का जो लो था वो था 2122। तो कहीं ना कहीं अपने डे लो के आसपास आकर आज HUL ने क्लोजिंग दी है। और अब बात करूँ इसके 52 वीक हाई की, तो ये आप देख सकते हो कि 2614 का इसका 52 वीक हाई है, और जो इसका 52 वीक लो है वो है 1757 का। अब बात करते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन की। हम सबको पता है कि HUL FMCG सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा जाइंट प्लेयर है, और किसी भी तरीके से ना ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम है और ना ही इसके मैनेजमेंट में। अब देखते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके के रहे। सबसे पहले तो हमें वो देखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा था, सब कुछ बंद था, तो भी इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तब इसेंशियल चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। और HUL एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, तेल, साबुन, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर से लेकर सभी इसेंशियल चीज़ों की सप्लाई और प्रोडक्ट लाइन HUL के पास है। तो यही वो एक कारण है कि लॉकडाउन होने के बाद भी हमें इसके इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत अच्छे दिखते हैं। और एक बात कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी का जो मार्केट बेस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि रूरल इंडिया में भी अच्छा मार्केट बेस इन्होंने बनाया है और कंपनी ने। तो वहीं दूसरी ओर ग्लैक्सो स्मिथ और हॉर्लिक्स जैसे जो ब्रांड थे बड़े बड़े, उनको ओवरटेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये वो स्टॉक है, ये वो कंपनी है जिसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी, इस स्टॉक में हमें एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कि डिविडेंड के मामले में भी ये कंपनी ठीक ठाक है, और लास्ट टाइम इसने जो अभी डिविडेंड दिया है वो 9.5 रुपये पर शेयर का दिया है। अब यहाँ पर एक और गजब की चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन जो इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो हुई है 17,41,644 शेयर्स की। तकरीबन 64% के आसपास की डिलीवरी यहाँ से पिक हुई है। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11,15,937 शेयर्स की। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यहाँ से हमें HUL के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये जो प्राइस है 2128 का, इसको जस्टिफाई नहीं करता HUL। तो लोग डिलीवरी पिक करके जा रहे हैं और उनको लगता है यहाँ से हमें HUL में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके RSI की मैं इस समय बात करूँ तो इस समय इसका जो RSI है वो है तकरीबन 43 के आसपास का। तो एक
बेयरिश मोड में है, एक साइडवेज जोन में है एक्चुअल। लेकिन मेरा ये सजेशंस होगा कि यहाँ से भी 2128 से भी इसको पिक करके चला जा सकता है। और अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो 2105 2110 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं। और अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इसको लेके चल रहे हैं तो आप लेके भूल जाइए, क्योंकि मेरा जो इसका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो है 2700 रुपये का, और मिड टर्म का जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 2400 का। तो 2400 और 2700 के टारगेट के लिए यहाँ से एचयूएल को बाय करना चाहिए। और मुझे यहाँ से नहीं लगता कि इसमें इस लेवल से हमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, तो यहाँ से डेफिनेटली पिक करके चलना चाहिए एचयूएल को। तो मेरा सजेशंस तो ये होगा कि यहाँ से आप इसको पिक करके चलें, और ये स्टॉक आपको डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।